शासन द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में भागीदारी रखने वाली आशा बहुओं को वर्षों से भुगतान न मिल पाने की वजह से आशा बहुओं ने सामूहिक रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमासिन में प्रदर्शन कर वर्षों से लंबित प्रोत्साहन राशि को पूरा भुगतान की मांग को उठाया। आरोप है कि उनके पारिश्रमिक में जिम्मेदार कटौती कर रहे हैं, दाम नहीं तो काम नहीं करेंगी। वहीं आशा बहु संघ की अध्यक्षा विंध्यावती ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कमासिन पर आरोप लगाते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य से जुड़ी शासन की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन करने के बावजूद आशाओं को प्रेषित वाउचरों के बाद भी उनके प्रोत्साहन राशि में कटौती कर धनराशि खातों में भेजी जा रही है। इस मामले की कई बार शिकायत डॉक्टरों से की गई है। हमेशा की तरह डॉक्टर का कहना था कि आपके खाते में पूरी धनराशि भेजी गई है, बैंक में जाकर देख लें। बैंक में खुले आशाओं के खातों में पैसा नहीं होता है। वहीं बिंदावती का कहना है कि कोविड-19 टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, नसबंदी केस, बच्चों की डीप लिस्ट, स्वच्छता अभियान, MRI, बूस्टर आदि जैसे स्वास्थ्य से जुड़ी शासन की सभी योजनाओं पर हम पूरी तन्मयता से काम करते हैं। और क्या कुछ कहा इन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम बिंदावती आशा है। हाँ। मैं आसन की अध्यक्ष हूँ। अच्छा, कहाँ से आशा बहु हैं आप? आसन से। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम लोग जो काम करते हैं, हमें शेड्यूल में ये नहीं बताया जाता है कि EMI का पैसा तुम्हें आएगा। काम हमसे सब लिया जाता है। मैं कोविड से लगा के और सर्वे से लगा के और घर घर जा कर के हम लोग काम करते हैं जी। फिर भी हमारा पैसा ये नहीं हमें मालूम होता है कि किस मद का कितना पैसा हमारा गया। यहाँ बाउचर में जो हम शेड्यूल के हिसाब में पैसा भी हम भरते हैं, वो पैसा भी हमारा पूरा नहीं जाता है। क्या बताते हैं डॉक्टर साहब? यहाँ ये आश्वासन भी दे देते हैं कि ये पैसा तुम्हारा जाएगा, ये करो, पहुँच गया है, देखो, बैंक जाइए। बैंक जाते हैं, वहाँ पैसा नहीं जा। अब कहते हैं कि अक्टूबर का पैसा गया, वहाँ 2000 किसी का है, किसी के में 3000, किसी को 1500। बताइए, जब हम 2015 जाना कितना चाहिए था हमारा, जैसा बना मालूम 6000 बना, 5000 बना, किसी का 3000 बना, किसी का भाई काम के अनुसार हमारा पैसा बनता। वाउचर जितना भरा होता है उसमें काट पीट के हमारा पैसा नहीं दिया। जो हमसे ऊपरी काम लेते हैं उसका हमें पैसा नहीं दिया जाता। बताइए, हम अपने बच्चों कैसे पाले, किस घर से हमें कहेंगे कि जाइए तुम अपना काम करिए जाके। अब हम इतना दिन से, 2 साल से कोविड से, जिस 2 साल से हम पैसा हुआ काम करते थे हमारा, बताइए 5000 रुपए अभी सितंबर में कहते हैं कि हमने दिया। बताइए 2 साल में 5000 रुपया हम रोज नाइट रोज ड्यूटी करते, बताइए कितना पैसा होता है हमारा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।